और आजकल जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ट्रेंड चल रहा है, तो सर इसमें गलत दृष्टि लगते हैं लोग। वो तो ब्रह्मचर्य का पूछना है कि कैसे रहते हैं। जो पति अपनी पत्नी के साथ रहकर केवल अपनी पत्नी के साथ रहता है और पत्नी के होते हुए या पत्नी के ना होने पर भी जो अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी पराई स्त्री पर नजर गंदी नजर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं रोमो वॉइस। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, इतनी अमेजिंग कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है लोगों को लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है वो हिंदू धर्म में जायज है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि मैंने आपको पहले बताया कि हर धर्म या हर मजहब, कोई भी मजहब हो, वो हर गलत चीज से रोकता है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है, जब एक हिंदू लड़के ने पूछा पंडित से तो पंडित ने क्या जवाब दिया, और उसके बाद दिखाएंगे कि इससे रिलेटेड मिलता जुलता जब डॉक्टर जाकिर नायक साहब से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मचर्य कैसे रहे, और आजकल जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ट्रेंड चल रहा है, तो सर इसमें गलत दृष्टि लगते हैं लोग। तो गर्लफ्रेंड बनाना सही है क्या? नहीं, आप कह रहे हैं लोग गलत रखते हैं भाव, तो आप ही बताओ सही क्या है, गर्लफ्रेंड बनाना सही है? नहीं है। तो फिर क्या पूछना है आपको? मेरे को ब्रह्मचर्य का पूछना है कि कैसे रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन हम सबको करना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ चार आश्रम में पहला आश्रम ही ब्रह्मचर्य आश्रम है। जो पति अपनी पत्नी के साथ रहकर केवल अपनी पत्नी के साथ रहता है और पत्नी के होते हुए या पत्नी के ना होने पर भी जो अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी पराई स्त्री पर नज़र गंदी नज़र नहीं रखता, जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री को माँ बहन और बेटी की नज़र से देखता है, वो पुरुष पत्नी के संग रहकर भी रमण करता हुआ भी वो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा, वो ब्रह्मचारी ही है। और गुरुजी एक प्रश्न ये था कि मैंने आपसे दीक्षा ली है और मेरा ये प्रश्न ये था कि हम खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, हाँ, तो उनको नारायण मान के कर सकते हैं? हाँ, नारायण कृष्ण का स्वरूप ही है, भगवान के स्वरूप जी। मेरा ये प्रश्न था। जय श्री मन नारायण गुरु जी। जय श्री मन नारायण। ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है, कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ, दो दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। कुरान की आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है। फितना अरबी में मानी इम्तिहान, उर्दू में फितना के दो मानी होते, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान। तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है, आपके बच्चे आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। ज़्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे है तो आपके लिए इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसको हार्ट डिजीज है, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं? जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची। आप बीए के लिए अपेयर होंगे तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन बीए मिलता है, अगर एमबीबीएस के लिए अपेयर होते जैसा पास होते आपके नाम के आगे लगता है डॉक्टर, बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए से बहुत कठिन है। मैं भी एमबीबीएस पास किया, छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर से और अच्छे मैदान में आ गया, दावत के मैदान में आ गया। वो जो कह रही है बहन, क्या वो दो साल के बच्चे की क्या गलती, क्या उम्र गया? कभी भी कुछ भी परेशानी किसी इंसान को आती है तो दो चीज हो सकती है, हो सकता है कि वो उसके लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट, या उसके लिए इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर मुश्किलात पेश आती है हो सकता है कि वो सजा है उसके लिए या इम्तिहान है। अगर वो इंसान सही रास्ते पे है तो उसके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पे तो उसके लिए सजा है। तो हर इंसान को जब भी मुश्किलात पेश आती है उसे अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूँ क्या नहीं। अगर चल रहा हूँ तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इम्तिहान है, अगर नहीं चल रहा हूँ तो भाई चलना शुरू कर,
उसी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज जिंदगी में होती वो दो हो सकता है, इधर ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड या आपके लिए टेस्ट है, हो सकता है कि आपके लिए कोई इनाम है या आपके लिए इम्तिहान है। तो ये जो टेस्ट होता है, एक इंसान कार एक्सीडेंट में मर जाता है तो अल्लाह ताला बोलता है ये इंसान का टेस्ट है 40 साल के लिए, 40 साल जो पूरा हो जाता है उसका टेस्ट खत्म, घंटी बज जाती, वो एक्सीडेंट में मर गया। वो बच्चे का इम्तिहान 2 साल के लिए था, वो बच्चा मासूम है, कुछ गलती नहीं की जन्नत में जाएगा। टेस्ट था उसके वालदेन के लिए, उसके माँ बाप के लिए, कि माँ बाप जब 2 साल का बच्चा मरता है फिर भी अल्लाह पर यकीन रखते क्या नहीं, तो वो बच्चा अगर कोई गुनाह नहीं करता वो डायरेक्ट जाता है जन्नत में। वो माँ बाप का टेस्ट है कि वो बच्चा मरने के बाद फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते है क्या नहीं, तो वो उनके लिए इम्तिहान है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि अगर वो बच्चा 2 साल का है कि उसके लिए सजा है, वो सजा किधर है, उसका इम्तिहान खत्म हो गया, 2 साल तक इम्तिहान था, टेस्ट पेपर खत्म। और हर बच्चा जब पैदा होता है वो मासूम होता है, बच्चा अगर मरा तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। बड़े होने के बाद जब अल्लाह आपको जहन देता है, आपको सोचने की कुव्वत देता है, आप डिसीशन खुद ले सकते हैं, फिर अगर आप गलती किए तो आप जिम्मेदार है, अगर अच्छे काम किए तो आप जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप बालिग होते तो फिर आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप अल्लाह सुबहाना व ताला खुदा ईश्वर की बात पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं। आज इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, लाखों लोग, 5 लाख 10 लाख कितने पता नहीं, लेकिन माशाल्लाह हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम भी है, हजारों की तादाद में गैर मुसलमान भी है। आपने मेरा पैगाम सुना, अभी आप जब घर जाएंगे तो आपसे पूछ भी होंगी ना ऊपर से कि आपने पैगाम सुना अमल किया कि नहीं, अगर पैगाम सही नहीं लगा तो सवाल क्यों नहीं पूछे, अगर सही लगा तो अमल क्यों नहीं किए। तो उस तरीके से अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है लोगों का, अगर पैगाम सुनने के बाद फिर भी आप अमल नहीं करे तो आखिरत में आप जवाब क्या देंगे। आप ये नहीं बोल सकते ना मुझे किसी ने नहीं कहा, वो था एक जाकिर आदमी जो था मुंबई से आया था, उसने तो कहा, तो आपने क्यों नहीं उसके ऊपर अमल किया, अगर उसका पैगाम गलत था तो क्यों नहीं उसे पूछा। तो मैं मेरा पैगाम पहुंचाने के अलावा आपको मौका देता हूं भाई पूछने के लिए, आप पूछ सकते, तो मेरी जिम्मेदारी पूरी। फजक्र नमंत मुजक्र, अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल से चैप्टर नंबर 88 सूरह गाशिया में वर्स नंबर 21-22, फजक्र नमंत मुजक्र, आपका काम है पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, तो मैं सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा हूं। तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं, ना उसने कुछ गुनाह किया, वो टेस्ट है, इम्तिहान है उसके वालदेन के लिए, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है कि आपके बच्चे आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। खूब ध्यान से क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।